एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट टू। यस बच्चे, पार्ट वन हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज एटम, उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, देन वी स्टडीड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, एंड साथ ही साथ हमने पढ़े थे सम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बच्चे पहले उसको देखिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को जब आप अच्छे से समझ लोगे उसके बाद आपको ये वीडियो बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। और साथ ही साथ बच्चे, आप कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्लीज उसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जैसे आप स्टार्ट करते हैं आपको कुछ लिंक बनने लगता है, अगर आप एंड तक नहीं देखोगे आपका बीच में लिंक टूट जाएगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चे हम बात कर रहे थे एटम्स की, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया एटम क्या होता है। आपको एक क्विक रिवीजन देती हूँ, एटम क्या थे बच्चे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एटम। सपोज कीजिए मैंने लिया गोल्ड का एलिमेंट या मैंने लिया सिल्वर का एलिमेंट। अब वो जो सॉलिड स्टेट में गोल्ड है या सिल्वर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, ठीक है, जो छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल से बना होगा विच इज कॉल्ड एज एटम, ठीक है, उनको हमने बोला था एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच फॉर्म एनी स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज एटम, ठीक है। अब एटम की डिस्कवरी किसने की, एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन डेल्टन। यस बच्चे ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एटम की डिस्कवरी किसने की थी, जॉन डेल्टन ने, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटोमिक थ्योरी। यस बच्चे, जॉन डेल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटोमिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चे अब हम पढ़ेंगे डेल्टन एटोमिक थ्योरी, कि जो डेल्टन साइंटिस्ट था उसने एक एटोमिक थ्योरी दी थी वो क्या है। अब इस एटोमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। यस बच्चे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल्स नोन एज एटम। जो मैटर है वो सबसे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इंडिविजुअल मीन्स कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। ये हमने एटम की डेफिनेशन लास्ट क्लास में भी पढ़ ली थी। चलिए उसके बाद अब आता है सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। अब बच्चे इस बात का मतलब समझते हैं कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सपोज कीजिए मैं बात कर रही हूँ कार्बन के एटम्स की या गोल्ड के एटम की या सिल्वर के एटम की। अब जो सिल्वर है ये गोल्ड है जो कार्बन है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मींस दे आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन के एटम की, उन सबका मास भी सेम होगा, उन सबका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, साथ ही साथ उनका साइज भी सेम होगा। ऐसे ही गोल्ड में होगा, ऐसे ही सिल्वर में होगा, उनका मास भी सेम, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम और उनकी साइज भी सेम और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम, ठीक है। तो ये गोल्ड के पार्टिकल्स, सिल्वर के पार्टिकल्स, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। पर्टिकुलर एलिमेंट के या पर्टिकुलर सब्सटेंस के जितने भी एटम्स हैं दे आर आइडेंटिकल। अच्छा उसके बाद आता है बच्चे थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे आपने ले लिया एक गोल्ड का एटम, एक सिल्वर का एटम, एक कार्बन का एटम, अब तीनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और साइज भी डिफरेंट होगा। तो वी कैन से जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके जो एटम्स हैं दे आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक ही सब्सटेंस के सारे एटम्स दे आर आइडेंटिकल। तो आपको ये दोनों पोस्टुलेट अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद आता है बच्चे फोर्थ पोस्टुलेट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल That take part in a chemical reaction. Yes, बच्चे ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि जितने भी chemical reaction होते हैं, जैसे suppose कीजिए मैं बोल रही हूँ carbon plus O2 gives CO2 या फिर H2 gas plus O2 gives H2O. तो जो smallest particle जो इस chemical reaction में part ले रहा है that is atom. मतलब एक atom of carbon is combining with two atoms of oxygen तभी एक CO2 का molecule बन रहा है। मैं बोलूं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है दैट इज एटम। इसके बाद बच्चे आता है सेकंड लास्ट पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपल फिक्स्ड रेशियो एंड होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। अब इस बात का मतलब हम ऑलरेडी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ चुके हैं
जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाटर की बात करें तो वाटर में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 2:1। अब आप पानी कहीं से भी लीजिए, चाहे वो ओशन वाटर, चाहे वो टैप वाटर, चाहे वो सी वाटर, वहां पे वाटर में हमेशा जो रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट विल बी फिक्स्ड। ऐसी अगर मैं बात करूं CO2 की, तो इसमें भी रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स विल बी फिक्स्ड। ठीक है, इसी पोस्टुलेट से बच्चे आगे बना था लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट पोस्टुलेट ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। अब बच्चे इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय कर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कुछ पोस्टुलेट हो गए डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो बच्चे अभी तक हमने पढ़ लिया एटम किसने डिस्कवर किया, ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। साथ ही साथ हमने पढ़ लिए डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में बहुत जरूरी है पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म इज आयन। बच्चे अब हमने समझ लिया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। थर्ड टर्म इज आयन। आयन क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि एटम के स्ट्रक्चर में एक होता है प्रोटॉन्स, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो दे डोंट हैव एनी चार्ज, दैट इज जीरो चार्ज। अब एक एटम न्यूट्रल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स जो होते हैं बच्चे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो फिक्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो जैसे सन के अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोटेटिंग है, ठीक है, एक इमेजिनरी एक्सेस में, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूज भी हो सकते हैं और गेन भी हो सकते हैं बाय अ एटम। तो जब भी गेन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव, क्योंकि देखो जीरो चार्ज कब है, जब पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन गया, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आया, मतलब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम को मैं क्या बोलूंगी, आयन, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलूंगी, आयन। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बाय एन एटम्स। आयन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब बच्चे डिपेंडिंग अपॉन की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो आयन्स है वो दो टाइप्स के हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कौन से टाइप। फर्स्ट इज केटाइन्स। केटाइन्स इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। अब कुछ एटम जो है उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ऐसे हम जनरली मेटल्स की बात करो तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं सो दैट वो स्टेबल स्टेट में आ जाए, दैट इज ऑक्टेट अचीव कर ले। जैसे कि मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर हाइड्रोजन, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, आपको पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटोन है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बचेगा, प्रोटोन, जिस वजह से उसपे कौन सा चार्ज आ गया, वन पॉजिटिव। सोडियम की बात करूं बच्चे तो उसके आउटर मोस्ट शेल, अभी ये सब हम पढ़ेंगे शेल्स क्या होता है, बट समझ लीजिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वहां पे क्या जाता है, Na पॉजिटिव। ऐसे कैल्शियम का जो एटम होता है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे आता है Ca+2। एल्यूमिनियम का एटम क्या करता है, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यहाँ पे आएगा Al+3। अब देखो हमने पढ़ा था कि एटम्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, इसका नाम है पॉली एटॉमिक केटाइन। इसका क्या नाम है, पॉली एटॉमिक केटाइन। केटाइन इसलिए क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉली एटॉमिक मीन्स इसमें एक से ज्यादा एटम्स हैं। तो बच्चे आपको केटाइन का मतलब समझ आ गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज केटाइन। कैसे बनते हैं, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली जो मेटल्स हैं वो केटाइन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं एनायंस। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं केटायन, ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज आयंस को बोलेंगे एनायंस।
पॉजिटिव चार्ज कब आया था? जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ था. नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा. एंड इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जितने भी नॉन मेटल्स हैं, बच्चे आपने 8th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा था, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं जैसे क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब एनायंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, मीन्स इजिली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेते हैं, जिस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंगल नेगेटिव, दो इलेक्ट्रॉन लिए तो टू नेगेटिव, तीन इलेक्ट्रॉन लिए होते हैं तो थ्री नेगेटिव. बात करूं क्लोरीन की, कार्बन की, फ्लोरीन की, आयोडीन की, ब्रोमीन की, इन्होंने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस मीन्स कि वहां पे कौन सा चार्ज आया? सिंगल नेगेटिव. ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, उस पर चार्ज होता है ओ टू नेगेटिव. ये है CO3 टू नेगेटिव, PO4 थ्री नेगेटिव. कार्बोनेट एनायन की बात करूं और फॉस्फेट एनायन की बात करूं तो बच्चे ये दोनों है पॉली एटोमिक एनायंस. पॉली एटोमिक मीन्स दे हैव मोर देन वन एटम. जो हमें दिख रहा है जो कार्बोनेट एनायन है उसमें वन एटम है कार्बन का और थ्री एटम है ऑक्सीजन के, और जो फॉस्फेट एनायन है उसमें वन एटम है फॉस्फोरस का एंड फोर एटम्स है ऑक्सीजन के. ये दोनों क्या हुए? पॉली एटोमिक एनायन. इसके बाद बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है हमारी वैलेंसी. अब वैलेंसी क्या होती है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव शेयर और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्टेट. अब बच्चे मैंने आपको बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आउटर मोस्ट जो होते हैं, देखो एटम के लिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं. अब जनरली मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, जनरली क्या कहा जाता है कि जो एटम कब स्टेबल होगा? जब उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल है, शेल मींस ये जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट. यहाँ पे उसे की बात कर ली गई है कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि जो उनके आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. अब उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करने के लिए उनको हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़े, हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़े, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़े. देखो कैटायंस क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे थे. एनायंस क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे थे. ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन की बात करूं तो वो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1. हीलियम, अब देखो हीलियम जो है बच्चे वो नोबल गैस है, इसीलिए ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना गेन करता है, ना शेयर करता है. हीलियम एग्जिस्ट एज Hg, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 0. कार्बन की बात करूं तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट. आप अभी चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ोगे व्हाट इज टेट्रावेलेंसी, मींस कि जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे 4 और चाहिए. अब चार्ज लेना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स देना इट इज नॉट इजी, क्योंकि जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा, जिस वजह से कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है किसी और कार्बन एटम से. तो अगर वो वहां पे C2 बन रहा है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के होंगे, एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड कार्बन पे, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4. ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसकी वैलेंसी क्या हुई? 2. नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वैलेंसी हुई 3. तो बच्चे यहाँ पर इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आयंस क्या होते हैं, आयंस के बारे में डिटेल में पढ़ा, साथ ही साथ हमने पढ़ा वैलेंसी क्या होती है. ठीक है, आपको होप सो ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड. अभी तक आप इस टर्म को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. अब यहाँ पे तीसरी टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, आयंस क्या होता है. इसके बाद बच्चे कुछ इम्पोर्टेंट लॉज भी मैंने करवाए थे आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ लिया, साथ ही साथ हमने डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली. अभी तक जितना कवर हो गया चैप्टर आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. इसके बाद हम नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स करेंगे जो बची हुई टर्म्स है इन दिस चैप्टर. तो बच्चे इस वीडियो को जब भी आप देखो साथ साथ नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि मैंने आपको अगर आपको हमारी
वीडियो पसंद आती है या फिर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है या फिर आपको हमारी वीडियो से बहुत अच्छे से समझ आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए, बिकॉज बच्चे जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, ऐसे ही हम और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।